हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिस इज जय प्रकाश कर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ वन बाय वन कोई ना कोई चैप्टर किसी भी क्लास का अपलोड करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट लेसन। दिस इज ट्वेल्थ क्लास लेसन ऑफ CBSE। द बुक्स नेम इज़ फ्लेमिंगो। अबाउट द ऑथर अल्फांस डाउडेट। इनका नाम है अल्फांस डाउडेट। 1842-1897, मतलब 1840 लेके 1897 तक इनका कार्यकाल, मतलब जो ऑथर का कार्यकाल रहा, 1840 में इन्होंने पैदा हुए, 1897 तक अपना नॉवलिस्ट थे, फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर। अपना इन्होंने लिखा जो भी लिखना था। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूसियन वार। यहाँ पर ये बता रहा है जो द लास्ट लेसन जो इन्होंने लिखा है, ड्यूरिंग द फ्रेंको एंड प्रूसियन वार, जब 1870 से 1871 के बीच फ्रेंको मतलब फ्रांस का और प्रूसियन या तो पर्सियन वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस बीच इन्होंने इसको लिखा था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। और उस वक्त जो फ्रांस है डिफीटेड यानी हार गया था पर्सिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। और जो पर्सिया था वो जर्मनी का नेशन था, मतलब दो तीन जगह मिल के बने थे, जर्मनी का उसमें राज्य रहा उस समय, मतलब उसको स्लैब बना ले थे। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सब जर्मनी में सम्मिलित थे उस समय। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आलसेस, मतलब आलसेक भी बोल सकते हैं, एंड लोराइन है पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। तो जब वो हार गए फ्रांस, तो ये दो सिटी जो हैं वो पर्सियन के हैंड्स में चले गए फ्रांस के। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। तो अब हम इस स्टोरी को शुरू करेंगे कि जब स्लेवरी में कोई सिटी देश आता है तो उसके स्कूल लाइफ और आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, ये जानेंगे। स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि सुबह सुबह जब वो अपने स्कूल के लिए स्टार्टेड करते हैं, मतलब स्कूल के लिए निकलते हैं, तो उनके मन में डर रहता है, ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, कि मुझे डांट पड़ेगी। स्कोल्डिंग मतलब डांटना। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि जो उसके टीचर थे एम हैमल ऑथर के, वो बोले थे कि कल वो पार्टिसिपेल के बारे में सुनेंगे। पार्टिसिपेंट्स, यू नो इट्स अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश एंड आई विल टेल यू आफ्टर sometimes when I will upload some grammars portion, I will tell you everything in deep comprehensive grammar I will upload. And I did not know the first word about them. तो author बोलते हैं मैं तो participle का first word भी नहीं जानता, और वो तो पूरा participle पूछने वाले हैं आज। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. तो उस दिन ऑथर ने सोचा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और बल्कि मैं कहीं दूसरी जगह समय बिताऊंगा। It was so warm, बहुत गर्मी थी। So bright का मतलब सूर्य बहुत तेज चमक रहा था, तभी तो गर्मी थी। The birds were chirping, यहाँ chirping नहीं बोलते इसको, chirping बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा pronunciation. The birds were chirping at the edge of woods, मतलब जंगल के किनारे, एज यानी किनारा, जंगल के किनारे birds chirping कर रहे थे। And in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling, और open field था वहीं पर जहाँ birds chirping कर रहे हैं, थोड़ी देर पर वहाँ पर जो Persian soldier थे, मतलब वही Persian, तो वो drilling कर रहे थे, मतलब मार्च कर रहे थे, अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। तो ऑथर बोलते ये बहुत टेम्पटिंग था, मतलब ललचाऊ था, आकर्षक था, तो उसको देखने लग गए। देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स,
मतलब जो पार्टिसिपल के रूल्स है, ग्रामर के रूल्स है, वो बोरिंग है और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बोल रहे थे ऑथर। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन जो उनका माइंड है ऑथर का, वो थोड़ा डर रहा था और वो स्कूल की ओर खींच रहे थे, सोच रहे नहीं नहीं मैं स्कूल जाऊँ, ये क्या कर रहा हूँ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब ऑथर वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, तो वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड रहा टाउन हॉल के पास। बुलेटिन बोर्ड मतलब कोई ना कोई न्यूज आता था युद्ध का, कि आज कौन हारा कौन जीता, कितने सैनिक मरे, इस टाइप का। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। वहीं से उनके बोल रहे हैं, पिछले 2 साल से वहीं पर बैड न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं, बुलेटिन पे हारते रहते हैं। द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सब उनमें न्यूज आता था, कमांडिंग ऑफिसर ने क्या ऑर्डर दिए और हमने कौन से युद्ध हारा, ये सब। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। फिर वो बिना रुके ऐसा सोच के जाते रहे, मतलब वहाँ रुक नहीं रहे थे, ऐसा बुलेटिन की ओर देख रहे थे, क्राउड लगा है, तो ऐसा सोच रहे थे कि कुछ होगा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, बोलते हैं पता नहीं क्या है आज का मैटर है बुलेटिन बोर्ड पे। ये देखो यहाँ पर देखिए, फ्लेमिंगो, जो कि टाइटल ऑफ द बुक, बुक का टाइटल फ्लेमिंगो, ये बहुत सुंदर पक्षी होते हैं, मुंबई में आसपास झीलों में पाया जाता है ये, मुंबई में। इनके गर्दन भी बहुत चमकीले होते हैं, मतलब कई कलर्स के होते हैं, पिंक वगैरह, तो इसको फ्लेमिंगो बोलते हैं। बहुत अच्छे पक्षी, माइग्रेट भी करते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर ऑथर बोलता है मैं स्कूल की ओर बहुत ही जल्दी चलने लग गया, जल्दी जल्दी जितना कोशिश करता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, एक वहाँ ब्लैक स्मिथ मतलब लुहार था जो वहाँ पर, हु वॉज देयर वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास था। विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, और उसका जो चेला था, जो अप्रेंटिस मतलब उसके अंदर जो ट्रेनिंग ले रहा था ब्लैक स्मिथ के अंदर, वो दोनों खड़े थे वहाँ। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे बुला रहे थे, डोंट गो सो फास्ट बब, तुम इतने जल्दी मत जाओ वहाँ पर, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम कई बार अपने स्कूल जा चुके हो और पहुँच चुके हो जल्दी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मतलब क्या उसका मजाक उड़ा रहे थे, व्यंग मार रहे थे, हैरानी, अक्सर वो लेट जाता रहा होगा तो। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, और वो एम हेमल्स जो टीचर हैं उनके गार्डन के पास पहुँचता है। यूजली वन स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जब स्कूल बिगेन होता है ना शुरू, अक्सर मतलब ये बोलते हैं अक्सर जब स्कूल शुरू होता है तो हसल बसल रहता है, चारों पर रशिंग रहती है, बच्चे यहाँ से वहाँ जाते हैं और ये बेंच खुलता है, ये उलता है, आवाज़ आती है, सभी स्कूल में ऐसे होता है। कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब सड़क तक सुनाई देता है। द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डैश लेसन्स रिपीटेड इन अनिसन, मतलब यूनिसन, मतलब नेशन रिपीटेड होता रहता है, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो लोहे का रूल रहता है पटरी, उसको टीचर पटकते रहते हैं टेबल पे, एम हैमल, तो ये सब सुनाई देता है अक्सर, ये बोलते हैं ऑथर। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन टूडे इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बहुत शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, तो बोलते हैं मैं जब अंदर गया देखा एकदम शांति है चारों ओर। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, स्कूल में उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे हो, संडे मॉर्निंग जिस दिन छुट्टी रहती थी, पूरे स्कूल शांत रहता है, ऐसा उस दिन शांति रहा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, बोला मैं खिड़की से क्या देखा अपने क्लासमेट्स को जो मेरे साथ पढ़ते हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब लोग बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमल थे मेरे टीचर, वो अपने आर्म के अंदर दबाए हुए थे, भुजा यहाँ पर भुजाओं के अंदर, कांख के नीचे समझ लो, तो वो रूलर दबाए हुए थे और ये अप एंड डाउन मतलब क्लास में यहाँ से वहाँ चहलकदमी कर रहे थे। टेरिबल आइस मतलब खतरनाक आंखों से देखते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मैं अंदर गया, बोलते हैं डोर खोल के क्लास का। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट एंड हाउ फिटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था, सब लोग शांत बैठे थे और ऑथर सोच रहा था कि वो बहुत लेट पहुंचा है। बट नथिंग हैपेंड,
कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली, बहुत अच्छे मैनर से बोला, दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ अपनी जगह पे जल्दी बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, उनका नाम फ्रेंच था ऑथर का, वी आर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, बोला मैं अपने डेस्क के पास बैठ गया, डेस्क में। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, उस दिन एम हेमन उसके टीचर बहुत ही ब्यूटिफुल खूबसूरत कोट पहने थे हरे कलर का, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और फिर यानी फोल्डेड शर्ट के साथ और ब्लैक सिल्क कैप रहा पहने हुए थे टीचर, पिक्चर यू कैन सी हियर, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन। और ये टीचर ऐसे हेमल कभी पहनते नहीं इस तरह, वो कब पहनते हैं जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता है एंड प्राइज डे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस चीज़ का। बिसाइड्स यानी अलावा, देखो बिसाइड और बिसाइड में क्या अंतर, बी ई एस आई डी अगर इतना स्पेलिंग लिखा है तो बिसाइड का मतलब बगल में, और अगर एस लग गया है बिसाइड्स यानी तो इसके अलावा, मीनिंग बदल जाती है दोस्तों, इंग्लिश है ध्यान से पढ़ो, ऑलवेज लर्न विद स्पेलिंग। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सो एम, मतलब एकदम चारों तरफ शांति और स्ट्रेंज दिख रहा था, थोड़ा अनजाना लग रहा था स्कूल रोज की तरह नहीं है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन उसको जो ऑथर को फ्रेंड्स को सरप्राइज करता है, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैक के बेंचेस थे ऑलवेज एम्प्टी रहते थे, बट टूडे द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, लेकिन वहाँ पीछे गाँव के लोग बैठे थे, ओल्ड लोग बैठे थे, ओल्ड विद ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, मतलब तीन तिकोना हैट पहन के बैठे थे वहाँ पर कुछ ओल्ड लोग गांव के, द फार्मर मेयर, वहाँ जो फार्मर किसानों के नेता थे वो बैठे थे, द फार्मर पोस्ट मास्टर, फार्मर यानी जो पहले के मेयर थे वो बैठे थे, द फार्मर पोस्ट मास्टर पहले के रिटायर जो पोस्ट मास्टर थे वो बैठे थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा और लोग बैठे थे, एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग उदास दिख रहे थे, एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमर, प्राइमर बोल सकते हैं, प्रीमर बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो हॉसर लोग थे वो ओल्ड प्रीमर मतलब पुरानी प्राथमिक किताबें प्राइमरी किताबें रखे थे, मुड़े हुए थे, थम्ड एट द एज, जो कि थम्ड एट द एज मतलब जो किनारे से पुरानी किताबें नहीं मुड़ जाती हैं, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज मतलब अपने घुटनों पे रखे थे, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और जो कि पेजों को देख रहे थे अपने स्पेक्टिकल्स चश्मों से लाइन वाइज लाइन। वाल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं ये सब देख के चौंक गया, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर मतलब अपने चेयर को मतलब अपने चेयर पर बैठ गए, माउंट यानी बैठ जाना सवार हो जाना, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सैड माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू, तो उन्होंने बोला कि बच्चों मैं आज आपको लास्ट लेसन दूंगा, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ ऑल सेक्स एंड लॉरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट ट्रांसलेशन, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, तो एम हेमल बोलते हैं कि आज मैं फ्रेंच का फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा ये दो शहर स्लैब हो गया है, इन स्लेवरी है, मतलब जर्मन के लोग इसको दास बना लिए हैं, कैप्चर कर लिए हमारे इन शहर को, तो वहाँ से ऑर्डर आया है बर्लिन से, जर्मनी में है बर्लिन, कि यहाँ पर आप सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, इसलिए कल से तुम लोगों को जर्मन सिखाया जाएगा, और ये जो आज फ्रेंच का है लास्ट लेसन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, यही है चैप्टर का टाइटल। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो ऑथर जो है फ्रेंड जो चौंक गए है ना, ओ द रेस दैट वॉज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तब ऑथर को समझ में आया लगता है यही बुलेटिन वहाँ क्राउड रहा, जो बुलेटिन
में चिपका हुआ था, इसी चीज़ को पढ़ रहे थे वहाँ पर, इसीलिए मेरे को जो ब्लैक स्मिथ है बुला रहा था। माई लास्ट फ्रेंड्स लेसन, व्हाई इट इज़ माई लास्ट फ्रेंड्स लेसन, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ऑथर डिडंट नो हाउ टू राइट द फ्रेंच ऑल्सो, ही वॉज नॉट एबल टू रीड एंड राइट प्रॉपरली द फ्रेंच, एंड आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और इसके अलावा मैं पाऊँगा भी नहीं अपना लेसन, आई मस्ट स्टॉप देयर, बोलते हैं मैं वहीं रुक गया। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आज तक मैं अच्छे से पढ़ा नहीं, सीखा नहीं अपने लेसन्स को, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शॉर, बस मैं बर्ड्स एग्स इनके पीछे पड़ा रहा घूमने फिरने में और इनको देखने मारने में, और माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ हॉइल हो गया, मैंने बहुत ही बेवकूफ़ी की है, कभी अपने बुक्स पे ध्यान नहीं दिया, और अब हमको जर्मन पढ़ना पड़ेगा, हम अपना लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं इनको नहीं त्याग सकता, अपने ग्रामर बुक को और हिस्ट्री बुक को, जो जो ग्रामर बुक तो मेरा और बहुत हैवी था, इसको मैं बैग में भर के लाता था, हिस्ट्री बुक भी है, मैं इसके लिए मतलब बहुत अक्सर कहता था बहुत भारी है क्यों पढ़ते हैं, लेकिन अब ये सब उसको अखर रहा है। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और जो एम हैमल ये भी टीचर हमारे चल देंगे, बहुत दुख की बात है, हम इनको दोबारा देख नहीं पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और ये जो उनका रूल है, जो पटरी, जिस लोह की पटरी जो मारते थे उससे, वो भी याद आएगा। पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही पुट हैड, रुक जा, पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब समझ में आता है कि क्यों मतलब ये पुअर मैन लोग यहाँ सब आए हैं, अब सब समझ में आ गया। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, तो जो भी ओल्ड मैन रहे सब बैठे हुए थे रूम में। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो सब दुख प्रकट कर रहे थे, दुखी थे सब ओल्ड मैन लोग, इसलिए गांव के लोग आए थे क्लास में। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, हम लोग एम एम एल को वो लोग सब लोग क्या करने आए थे, बाय बाय करने आए थे, थैंक करने आए थे, वो लोगों ने 40 साल सर्विस किया था यहाँ पर, एंड 40 साल, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। वेल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, तभी अचानक एम हेमल मेरा नाम पुकारते हैं कि अब तुम्हारा टर्न है पार्टिसिपल सुनाने को। वाट वुड आई नॉट है गिवन टू बी एबल टू से दैट ट्रेटफुल रोल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, और मैं, मेरे को तो कोई पार्टिसिपल के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं याद ही नहीं किया था, कुछ सीखा नहीं था, कुछ पढ़ा नहीं था। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट ऑन मिस्टेक बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, बोला कि मैं तो उतना विशेष कुछ सुना नहीं पाया, खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क को पकड़ के खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसका जो हृदय है धड़क रहा था तेजी से जल्दी। आई हैड एम हैमल से टू मी, एम हैमल्ड कुछ बोल रहे थे उसको, ऑथर को सुनता है। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुमको नहीं डांटूंगा आज फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम आज बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे, दुखी होगे। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सैड टू अवर सेल्व्स, हम लोग हमेशा एक दूसरे से कहते हैं, मतलब अपने आप से कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, पूरे स्टूडेंट यही कहते हैं मैं बाद में कर लूँगा, परीक्षा के समय पढ़ लूँगा, इसी तरह सोचते रहते हैं और इस पूरा समय गुजर जाता है, यही हैमल इस वक्त उसको समझा रहे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, तुम सी बिन पाए, दैट्स द ग्रेट ट्रेवल विद आलसास, और ये जो हमारा सिटी है गुलाम बन गया है, और ये बहुत बड़ा ट्रबल कष्ट की बात है आलसास के लिए, शहर के लिए। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फॉलोज आवर
देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। और हमेशा बच्चे जो हैं टालते रहते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, और ये देखो ये ऐसा हाल हो जाता है। हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड यू एट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो कैसे तुम बोलोगे कि तुम एक फ्रेंच हो, ना तुमसे लिखते बनता है फ्रेंच लैंग्वेज और ना पढ़ते। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम्हारी बस गलती नहीं इसमें। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद। हम लोगों की गलती है, मेरी भी गलती है, टीचर बोलते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनजीएस, इसको एनजीएस पढ़ते हैं, देख लो बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं। एनजीएस यानी चिंतित हो जाना। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी तुम्हारे बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते रहे। टू हैव यू लर्न, दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। तुमको वो काम करने के लिए फार्म में भेज देते थे, मील में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती रहे। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैं तुम्हें अपने बगीचे में पानी देने के लिए फूलों को भेज देता था, ये भी गलती है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। जब मैं फिशिंग के लिए जाता था तो तुमको छुट्टी नहीं देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, सबसे अच्छा लैंग्वेज है फ्रेंच। ये आप देख सकते हैं मैप उधर का पूरा, पेरिस ओरिस कहाँ पर है देख लेना भाई। फ्रांस यहाँ पर है और स्पेन वगैरह सब है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, जो एम हैमल है वो बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और एक क्लियर लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल है, तार्किक लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमको अपना लैंग्वेज कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, मतलब दास बन जाते हैं, मतलब गुलाम हो जाते हैं किसी देश के किसी का, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब वो जेल में रहते हैं या फिर स्लेव हो जाते हैं, इंस्लेवरी है उनके पास, तो उनका लैंग्वेज ही काम आता है, उनको एक दूसरे अपने आदमियों से बात कर सकते हैं, अपने लोगों से, और कुछ प्लान बना सकते हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर वो जो टीचर हैं ग्रामर बुक खोलते हैं, एंड रीड अस आवर लेसन, और लेसन पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल द सैड सीन सो इजी, सब लोग बहुत इजी दिख रहे हैं, सो इजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, कभी जो फ्रेंड्स है वो कभी लेसन को क्लियरफुली नहीं सुना, लेकिन टुडे बहुत केयरफुली चैप्टर को सुन रहे हैं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और जो बहुत अच्छे से टीचर समझा भी रहे हैं पेशेंसफुल आज। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस, और ऑलमोस्ट एज पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस, इसको मतलब सब लोग सुन रहे थे, पुअर मैन जो हम बैठे थे। अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, सब वो जानते थे कि अब आप क्या होने वाला है शहर में। एंड टू पीट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट ऑन स्ट्रोक, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, फिर ग्रामर के बाद टीचर राइटिंग करने के लिए बोलते हैं। दैट डे एम एम एल हैड न्यू कॉपी, जो नई कॉपियाँ लाए थे एम एम एल नोटबुक्स कॉपियाँ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, राउंड हैंड मतलब कर्सिव राइटिंग में लिखा था बहुत अच्छा सुंदर ढंग से इस कॉपी में, फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास, उस कॉपी में लिखा था फ्रांस हेडिंग टाइप का, फ्रांस अल्सास, मतलब जो अल्सास है वो फ्रांस का ही है, जर्मनी भले उस पर कब्जा कर लिया। दे लुकड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो फ्लैग्स की तरह दिख रहे, झंडों की तरह छोटे छोटे, फ्लोटिंग एवरीवेयर, चारों तरफ झंडा फहरा रहा था। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और रॉड से उसको हंग कर दिया, लटका दिया गया था हमारे डेस्क में, और बढ़िया हवा से उड़ रहा था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, बहुत शांति चारों तरफ, क्वाइट यानी पिन ड्रॉप साइलेंस पूरी क्लास में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस, मतलब सिर्फ पेन की आवाज़ें आ रही जब हम लोग लिख रहे थे।
ओवर द पेपर वन सम बीटल्स फ्लू इन। कभी कभी क्लास में जब बीटल्स वगैरह गुबराइला उबराइला कीड़े ये सब जब उड़ते रहते थे बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। पहले कभी ऐसा होता था तो पूरे बच्चे उनमें खेलने लग जाते थे उनके साथ, बट टुडे इट इज़ नॉट गोइंग ऑन लाइक दैट। पर इस तरह का कुछ भी आज नहीं हो रहा है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटी सी बाजो बाज नहीं है, कोई हरकत नहीं हो रही। हु वर्क राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच। यहाँ फिश हुक्स का मतलब एक मुहावरा टाइप का है, प्रोवर्ब है, जैसे कोई फिश पकड़ता है तो एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस बना के, उसी तरह क्लास में चल रहा था सब कुछ। टू ऑन द रूफ द पिजेंस कूक्ड वेरी लो, जो आज पिजन है कबूतर वो भी धीरे धीरे कूक्ड कर रहे थे। कूड मतलब जब कबूतर बोलते हैं बोलने, कूड बोलते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और ऑथर बोला कि मैं खुद सोच रहा था, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो क्या जर्मनी हमको जो गुलाम बना ली हमारे शहर को, तो क्या कबूतर भी जर्मन बोलने लग जाएंगे, ऐसा सोच रहा था ऑथर। वैन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस। जब हम लोग लिख रहे थे तो अपने चेयर में एम हैमल मोशनलेस मतलब एकदम स्थिर बैठे हुए थे इन ही चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो गेजिंग यानी घूर रहे थे, देन एट अनदर, पहले एक चीज़ को कुछ देर देखते थे, कुछ सोच रहे थे कुछ एक चीज़ को, ही वॉज पॉन्डरिंग, और फिर दूसरी चीज़ को देखने लग जाते थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कुछ अपने माइंड में फिक्स करें। जस्ट हाउ एवरी थिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ये सब चल रहा था छोटे से रूम में। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। तो इस तरह वो अपने गार्डन को देखते हुए